नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजनाथ। आप देख रहे हैं मेरी YouTube चैनल इंडियन टेक स्मिथ। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप जब ओपन ऑफिस का सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हो, फिर आप उसमें कोई काम करने के लिए बैठते हो, फिर आपको आपकी स्क्रीन पर ये पॉपअप शो होता है जिसमें लिखा होता है कि ओपन ऑफिस रिक्वायर्स अ जावा रन टाइम एनवायरनमेंट टू परफॉर्म दिस टास्क। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि इस चीज को हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखें। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है। देख सकते हैं आप यहाँ पर कि मैंने ओपन ऑफिस यहाँ पर इंस्टॉल करके ओपन करके रखा हुआ है। अब यहाँ पर मैं जैसे ही डेटाबेस पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर मेरे सामने एक पॉपअप आ जाएगा। फिर यहाँ पर मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, फिर फिनिश पे क्लिक करूँगा। फिनिश पे क्लिक करने के बाद मुझे एक नेम सजेस्ट करना पड़ेगा इसे सेव करने के लिए। तो मैं यहाँ पर इसे पहले डेस्कटॉप पे सेव करूँगा और नाम मैं यहाँ पर सिंपली 1 कर देता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पर मैं सेव पे क्लिक करता हूँ। अब जैसे ही मैं सेव पर क्लिक करूँगा, आप यहाँ पर देखेंगे कि एक एरर आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक एरर आया है। इस पॉपअप में लिखा हुआ है कि ओपन ऑफिस रिक्वायर्स अ जावा रन टाइम एनवायरनमेंट टू परफॉर्म दिस टास्क, यानी इसे जावा रन टाइम एनवायरनमेंट चाहिए। तो बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है कि उन्होंने जावा रन टाइम एनवायरनमेंट इंस्टॉल करके रखा हुआ है अपने कंप्यूटर में, फिर भी उनका ओपन ऑफिस काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आज हम इसी को रिजॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम ओके पे क्लिक कर देते हैं। ओके, फिर हम इसे क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद आपको अपने ब्राउज़र पर जाना है। फिर ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको इस लिंक पे आना है। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे भी दे दूंगा, ठीक है। इस लिंक पे आने के बाद आपको नीचे यहाँ पर फ्री डाउनलोड पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि हम लोग 32 बिट का डाउनलोड कर रहे हैं। अगर आपका कंप्यूटर 64 बिट का है तो भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप 32 बिट का ही डाउनलोड करें। आप अगर 64 बिट का डाउनलोड करेंगे तो हो सकता है आपको वो एरर फिर से फेस करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर सिंपली फ्री डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डाउनलोड हो चुका है, तो इसे मैं ओपन करूँगा, ठीक है। यहाँ पर हम रन पे क्लिक करेंगे। अब कुछ ऐसा पॉपअप आएगा, फिर यहाँ पर आप इंस्टॉल पे क्लिक करें। अब ये फिर से इंस्टॉल होना चालू हो गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉपअप आ गया, यू हैव सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड जावा। क्लोज पे क्लिक करेंगे। क्लोज पे क्लिक करने के बाद हम फिर से अपना ओपन ऑफिस स्टार्ट करके देखेंगे कि क्या हमारा ओपन ऑफिस काम कर रहा है या नहीं। यहाँ पर मैं ओपन ऑफिस को ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर हम डेटाबेस पे क्लिक करेंगे। डेटाबेस पे क्लिक करने के बाद यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर फिनिश पे, फिर एक नेम सजेस्ट करेंगे, सिंपल सा कोई भी नेम। यहाँ पर मैं 2 लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं इसे सेव कर देता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी एरर शो नहीं हो रहा है, यहाँ पर हम अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था एक सिंपल सा प्रोसेस कि कैसे आप इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। कुछ डाउट्स रह गए हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए गुड बाय।